हाय फ्रेंड, आज का एक वीडियो लेके आया हूँ। एक लोकल एलईडी जिसका नाम है यार्टेक। इस एलईडी का प्रॉब्लम आ रहा है, इसका जो वोल्टेज है वो सारे वोल्टेज ओके हैं, फिर भी इसका जो स्टैंड बाय लाइट है वो नहीं जल रहा है। आपको एक बार वोल्टेज दिखा देते हैं। देखिए जो सप्लाई वोल्टेज है, ये देखिए 12 वोल्ट का सप्लाई, ये ओके है। इसका जो देखिए 3.3, 1.8 ये तो नहीं है क्योंकि स्टैंड बाई लाइट ही नहीं जल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1.2 ये वोल्टेज ही ओके है, और इसका 5 वोल्ट ये भी ओके है, फिर भी इसका जो स्टैंड बाई लाइट है ये नहीं जल रहा है। ठीक है, स्टैंड बाई लाइट नहीं चल रहा है और इसका जो स्टैंड बाई है वो रिलीज़ भी नहीं हो रहा है। तो आज एक सिंपल सा स्टेप करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए, इसके लिए हमें ऐसे एक फ्लक्स की ज़रूरत है और इस फ्लक्स को हम लगाएंगे। इस फ्लक्स को हम लगाएंगे, देखिए कैसे किस स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इस आईसी को एक बार लगाएंगे, तो इसको हमने लगा दिया और लगाने के बाद करना क्या है, चलिए हम एक ये देखिए ब्लोअर की मदद से हम इसे थोड़ा सा हीट देंगे। चलिए हीट दे दिया, अभी इसको पावर को ऑन करेंगे। चलिए ऑन कर देते हैं, ये देखिए पावर ऑन करने से कल लाइट चला है। तो अभी वोल्टेज भी देख लेते हैं, यहाँ पर वोल्टेज ओके है, यहाँ तो था, अभी ये देखिए 1.8 भी आ गया। अभी इसका जो स्टैंड बाय है वो रिलीज हो गया। तो देखा कितना इजी प्रोसेस है, इजी प्रोसेस से इसका जो स्टैंड बाय है वो इजीली सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और इसका जो फ्रंट साइड के भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो इसका जो पिक्चर है वो आ गया। तो देखा कुछ इजी स्टेप फॉलो करने से आपका कुछ स्टैंड बाई का प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।